सबसे पहले तो जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है, और जो टैक्स स्लैब पहले था वही इस साल के लिए भी है। अलग से सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 40,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने ला दिया है, जो पहले जो कि 2.5 लाख के बाद उसको आप 2,90,000 तक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए टैक्स स्लैब मान सकते हैं, जहाँ तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा 80DDB में जो सीनियर सिटीजन था, सीनियर सिटीजन के लिए 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख की छूट दी गई है, जो कि अलग से उनके लिए टैक्स सेविंग रहेगा। 10,000 से बढ़ा के 50,000 तक जो FDRD पे जो ब्याज मिलना था उसको 10,000 से बढ़ा के 50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग से इन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। और उसके अलावा इन लोग का हर साल इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का जो इनको जो रेवेन्यू जनरेट हो रही थी वो बढ़ी है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे विदाउट इंडेक्सिंग जो है 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा शेयरों पे जो इक्विटी खरीदने और बेचने खरीदने पे 10% का अलग से इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। एजुकेशनल सेस को इन्होंने 1% से बढ़ा के 4% का प्रावधान कर दिया है, जो कि पहले 1% था। उसके अलावा म्यूचुअल फंड से जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इनको मिलती थी लोगों को, उस पर भी 10% का इन लोगों ने प्रावधान टैक्स प्रावधान कर दिया है। तो टैक्स प्रावधान एक तरफ से इन्होंने ज़्यादा छूट ना दे के इसको टैक्स को बढ़ाया ही है। उसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 50 करोड़ तक की कंपनियों के लिए 25% था, उस 50 करोड़ की कंपनियों को बढ़ा के 250 करोड़ तक जो है अब 25% ही टैक्स देना होगा, जो कि 5% का गवर्नमेंट को रेवेन्यू का इस पर नुकसान होगा। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर रही है, जो कि और बढ़ना चाहिए। हमारा GDP का 1.5% हमारा पब्लिक हेल्थ पे खर्च होता है, जो कि 4% तक जाना चाहिए था, इस बजट में भी नहीं बढ़ाया गया, जो कि दुख की बात है। रूरल हेल्थ पे ध्यान दिया गया है, अच्छी चीज है। हेल्थ इंश्योरेंस सबको कवर होना चाहिए, जो कि लिमिटेड लोगों को दिया गया है। पहले हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा था सब परिवारों को, BPL परिवारों को, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड परिवारों को दिया जा रहा है, गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस सबको कवर दें, राइट टू हेल्थ की बात करें, और गरीबों को मेडिसिन देने की बात हो रही, फ्री मेडिसिन, जन औषधि सेंटरों को बढ़ाया जाए, जिससे कि सबको फ्री में मेडिसिन मिल सके और इसेंशियल दवाएं मिल सके। बस मेरा एक ही अनुरोध है कि जो नए नए हॉस्टल, नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, वर्तमान में जो हॉस्टल और कॉलेज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, उनकी दवाइयाँ फ्री उपलब्ध कराई जाए, जो नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी उनको लाया जाए, शिक्षित डॉक्टरों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वर्तमान में हेल्थ सेक्टर है उसका फायदा लें। दूसरी चीज़ों हेल्थ के बजट में नहीं बढ़ाया। WHO का ये मानना है कि GDP का 6% हेल्थ पर खर्चा होना चाहिए, वर्तमान में हमारे देश में 1.5% खर्चा हो रहा है, जो डेवलप कंट्री है वो 3 से 5% तक खर्चा करती है। तो हेल्थ सेक्टर की GDP बढ़ाया जाए। इन्होंने हेल्थ में जो बीमा योजना लागू की है वो बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है कि बीमा योजना से प्रत्येक परिवार को लाभ मिलना चाहिए। राइट टू हेल्थ स्कीम बनाकर हर परिवार को बीमा योजना दो, ताकि हर परिवार अपने को स्वच्छंद रहे कि कहीं भी जाकर इलाज करवा सकता है, वो मजबूर न हो कि सरकारी में इलाज करा सकता हो, प्राइवेट से सर सभी इलाज जाकर करवा सकता है। ये बजट, रेल का बजट जो है ये बहुत अच्छा इस साल का मुझे लगा है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में 18,000 करोड़ रुपया अधिक अलॉट हुआ है। पिछले साल 1,30,000 करोड़ का अलाटमेंट था, इस बार 1,48,000 करोड़ का अलाटमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कार्य नए हो सकेंगे, और इसमें दो एक चीज़ें हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसमें यह है, एक नई लाइनों का निर्माण 3600 किलोमीटर बताया गया है, और उसमें ब्रॉड गेज को पूरा नेटवर्क ब्रॉड गेज करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन दोहरीकरण, तहरीकरण या विद्युतीकरण के बारे में कुछ कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं बजट में। तो हो सकता है कि बीच में जब डिटेल्ड बजट आवे तो उसमें प्रावधान हो। मुंबई लोकल का जो है वो 90 किलोमीटर और दायरा बढ़ा दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है, वहाँ की ज़रूरत भी थी। और बजट में यूपी के लिए कुछ है सर? यूपी के लिए अलग से बजट का अभी इसमें प्रावधान नहीं है, वो तो रेलवे वाइज होता है, तो एनी रेलवे का जब बाइफर्केशन होगा तो देखिए क्या अलॉटमेंट करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जैसे यात्री सुविधाओं के लिए 100 करोड़ का रुपए का आवंटन हुआ था, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 90 करोड़ से ऊपर ही का अलॉटमेंट होना चाहिए।
इसके अलावा थोड़ा आदर्श स्टेशनों और कैटरिंग सुविधाओं पर क्या रूपरेखा बनेगी, इस पर भी अभी स्थिति क्लियर नहीं है। दूसरी बात यह है कि नई ट्रेनों का कुछ जगहों के लिए यहाँ काफ़ी डिमांड है, जैसे जम्मू तवी के लिए डेली एक ट्रेन होनी चाहिए, काफ़ी यात्री यात्रा करते हैं। इसके अलावा दिल्ली या मुंबई के लिए भी एक एक ट्रेनें आवश्यक हैं जो कि होना चाहिए था। दुरंतो टाइप की एक ट्रेन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। गरीबों के लिए आवास, मुफ्त आवास, बिजली, मुफ्त बिजली कनेक्शन और स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं, और ग्रामीणों के लिए न्यूनतम मूल्य को ग्रामीणों रोजगारों के लिए खेत, हर खेत में सिंचाई पानी पहुंचाने का और उनके फसल को खरीदने का की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2.5 लाख गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा और 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। पशुपालक और मत्स्य पालक को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पहले जो सिर्फ किसानों के लिए दिया जाता था खेती करने के लिए, अब ये पशुपालन और मछली पालन के लिए भी दिया जाएगा। इसके अलावा 24 मेडिकल कॉलेज जो खोलने का लक्ष्य रखा गया है वो स्वागत योग्य है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है।